दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्राइव टू स्किल में। और आज का हमारा टॉपिक है कैंड साइकिल, यानी आज के टॉपिक में हम कैंड साइकिल के ड्रिलिंग साइकिल के बारे में समझेंगे, जो कि G81, G82 और G83 इन साइकिल्स का कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो आज के जो टॉपिक है ये हम सिर्फ ड्रिलिंग साइकिल के बारे में समझेंगे, और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ VMC या HMC मशीन्स के लिए है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे और भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जो लोग ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि कैंड साइकिल यूज क्यों होता है। तो कैंड साइकिल इसलिए यूज होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर सकें। और जो कैंड साइकिल होता है ये मोस्ट कॉमनली जेड एक्सिस के रिपीटेटिव साइकिल, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग और टैपिंग, इन साइकिल्स में यूज होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रिलिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ G81 जो है ये कैंड साइकिल है, ये ड्रिलिंग साइकिल है। उसके बाद G82 है, इसको हम स्पॉट ड्रिल या काउंटर बोर कैंड साइकिल भी बोलते हैं। G83 को पैक ड्रिलिंग साइकिल या डीप होल ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं। तो ये जो ड्रिलिंग साइकिल है इनमें क्या डिफरेंस है, कब किसका यूज करते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे G81 कैंड साइकिल के बारे में, G81 ड्रिलिंग साइकिल के बारे में। ये जो ड्रिलिंग साइकिल होता है इसमें हम डायरेक्टली ड्रिल करते हैं, मतलब अगर आपको जितने भी डेप्थ में जाना है वो एकदम से डायरेक्ट डेप्थ में जाएगा। तो ये ड्रिलिंग साइकिल का एक फॉर्मेट है, ये G81 का G81 लिखते हैं, XY कोऑर्डिनेट डालते हैं, Z यानी जितने डेप्थ तक आपको ड्रिलिंग करना है, R यानी ये रिट्रैक्शन पॉइंट है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर इस सरफेस पे आपको ड्रिलिंग करना है तो इसके कितने ऊपर से वो ड्रिलिंग स्टार्ट होगा। अगर मैंने 5 mm R5 डाला है, यानी इस सरफेस से 5 mm के ऊपर से ये ड्रिलिंग का जो है वो फीड के साथ स्टार्ट होगा। और ये K क्या है, ये रिपीटेटिव साइकिल है, ये जो मैंने K डाला है ये रिपीटेटिव साइकिल है, ये जहां पे कंडीशन होगी वहां यूज करना है, नहीं तो ये यूज नहीं करना है, के नहीं डालना है। और फीड ये एज पर जो आपका टूलिंग है और मटेरियल है उसके बेसिस पे आप फीड डालेंगे। तो ये G81 का एक साइकिल हो गया। अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल ड्राइंग दिया है, यहाँ पे ये दो होल है, सपोज आप सब मान लो कि ये मुझे 12 mm का होल करना है, यानी आप 12 mm का ड्रिल यूज करोगे, सॉलिड कार्बाइड ड्रिल हम यूज कर रहे हैं, और मुझे 10 mm डेप्थ तक ड्रिलिंग करना है। तो ये अगर ये कोड, ये पहले होल का एक्स में कोऑर्डिनेट कितना है, अगर ये मैंने इसका वर्क ऑफसेट माना, यानी एक्स जीरो और वाई जीरो अगर मैंने ये माना है, तो यहां से ये एक्स में 25 है, वाई में 35 है, और इस होल का डिस्टेंस एक्स में 70 और वाई में 40 है। तो इसका हम ड्रिलिंग साइकिल कैसे लिखेंगे ये अब हम समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा इस ड्राइंग के लिए इस ड्रिलिंग का प्रोग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो स्टार्टअप लाइन है वो हमने नहीं लिखा है, बहुत मतलब G28, G91, G00 हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है स्टार्टअप लाइन CNC में कैसे यूज करें और एंड लाइन, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे G90, G54 यानी हमने इसको वर्क ऑफसेट को G54 डिफाइन किया, और ये हमने डायरेक्टली X25, Y35 बोला, यानी ड्रिल जो है आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। और स्पिंडल यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंटी क्लॉकवाइज विद 1200 RPM के साथ। फिर ये G43 है, G01 क्या है, ये उस ड्रिल का टूल ऑफसेट है, और ये यहाँ पे M08 कूलेंट स्टार्ट होगा, और Z50 का मतलब हो गया वो उस सरफेस से 50 mm हाइट पे जाके ड्रिल रुकेगा पहले। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, G81 डाला, यानी नॉर्मल ड्रिलिंग साइकिल का कैंड साइकिल स्टार्ट हो गया। G98 ये यहाँ पे G98 भी हम यूज कर सकते थे, G99। अब G99 या G98 का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे हमने Z50 डाला है और अगर G98 डाला है तो, और पहले ये आप एक लाइन समझ लीजिए, G81, G98 और ये Z 10 mm डेप्थ तक हमें ड्रिलिंग करेंगे, और R2 का मतलब ये सरफेस से 2 mm हाइट, ठीक है। तो ये जो G98 का मतलब है, यहाँ पे ये 50 पे तो आके रुका, उसके बाद ये रैपिड में कहाँ तक जाएगा, 2 mm के हाइट तक जाएगा, और यहीं से ये ड्रिल स्टार्ट करेगा। और जब ये पहला होल ड्रिल करेगा तो वापस रिटर्न होते समय ये वापस ये जो 50 mm का हाइट है वो वहां पे जाएगा। लेकिन अगर हमने G99 लिखा रहता
तो ये आर टू के हाइट पे ही जाता और दूसरे होल पे मूव करता है, यानी यहाँ पे 2 mm के हाइट पे ऊपर आता और फिर वापस ये यहाँ पे जाता है। लेकिन हमने G98 डाला है तो ये वापस उठेगा 50 mm हाइट तक, ये रिट्रैक्ट होगा और वापस 50 mm के हाइट पे ही ये मूव करेगा दूसरे होल तक, फिर ये 2 mm के हाइट तक यानी आर टू के हाइट तक जाएगा रैपिड में और वहां से ये ड्रिलिंग स्टार्ट होगा। तो ये डिफरेंस होता है G98 और G99 में। तो यहाँ पे G81, G98, Z हमें 10 mm डेप्थ तक ड्रिलिंग करना है, R2 ये रिट्रैक्शन सरफेस प्लेन है और फिर हमने 100 का डाला है। ये होल ड्रिल हो गया, वापस ये सरफेस से ऊपर आया 50 mm के हाइट पे और मूव करेगा, तो सिर्फ मुझे ये अगले होल का कोऑर्डिनेट डालना है, यानी X का कोऑर्डिनेट X70 और Y का कोऑर्डिनेट Y40। और ये बाद में हमने क्या किया, ये G80 डाला है, यानी ये कैंड साइकिल ऑफ करते हैं, कोई भी साइकिल ऑन करते हैं तो उसको ऑफ भी करना पड़ता है, तो इसके लिए हमने ये साइकिल ऑन करने के बाद ये ऑफ किया है। बाद में ये G00 रैपिड में Z50 mm तक ऊपर जाएगा, M09 कूलेंट ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया एकदम सिंपल। अगर हमने यहाँ पे X0 डाला रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट कमांड इसके साथ भी XY का डालते, यहाँ पे डालते X25 और Y35, वो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता, जैसा कि मैंने वो एक सिंपल फीचर्स में बताया था कि कैसे उस G81 का साइकिल लिखते हैं। तो ये हमारा होगा G81 का साइकिल विदाउट रिपीटेटिव साइकिल, यहाँ हमने K का यूज नहीं किया है, K के यूज के लिए अलग कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन मैं अभी आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। ओके, अब आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक सिंपल ड्राइंग बनाया है, ये रेफरेंस पॉइंट X0 Y0 माना है, यहाँ पे ये आपको 3 होल करने हैं, ये यहाँ से ये 30 mm डिस्टेंस पे एक्स में है, ये वाला इस होल से 30 mm डिस्टेंस पे और ये होल से ये एक्स में 30 mm डिस्टेंस पे, वैसे ही मैंने वाई में डाला है। ये ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने 30-30 डाला है, तो ये 30-30-30 हो सकता था, तो ये 40-40-40 हो सकता था, लेकिन एक्स में सिमिलर डिस्टेंस पे होना चाहिए और वाई में सिमिलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, भले एक्स की वैल्यू अलग हो सकती है और वाई की वैल्यू अलग हो सकती है। तो ये समझ में आया। तो इसके लिए हम सैंपल प्रोग्राम क्या लिख, मतलब जो हमारा ड्रिलिंग प्रोग्राम क्या होगा, वो हमने क्या लिखा, G90, G54, G00, X0, Y0, यानी पहले हमारा जो ड्रिल है वो इस पोजीशन पे आएगा, बाकी की चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं कि स्पिंडल ऑन हुआ G43, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं जैसा कि आपको पहले बताया है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, G81, G99, इस बार हमने G99 का यूज़ किया, आपको लगे तो आप G98 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको G91 डालना है। G91 इसलिए डालना है कि इस होल, जब आप यहाँ पे पहला होल ड्रिल करेंगे तो इससे ये 30 mm डिस्टेंस, फिर इससे ये 30 mm डिस्टेंस दिया, इसके लिए हमने डाला है, यानी सिमिलर डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे पहला होल कौन सा पोजीशन पे आएगा, X30 Y30, यानी इस पोजीशन पे आएगा आपका ड्रिल, 5 mm ऊपर से स्टार्ट होगा ड्रिलिंग साइकिल, 10 mm डेप्थ तक जाएगा, Z-10 है यानी 10 mm डेप्थ तक जाएगा, और K3, यानी यहाँ 3 होल है और सिमिलर डिस्टेंस पे, इसलिए हमने K3 डाला है। अगर यहाँ 40-40 होता तो Y40 लिखते या 50 लिखते, जो भी है, फिर यहाँ पे 150 डाला है, तो इसी के साथ ये अपना तीनों होल कर लेगा, और ये उसके बाद ये तीनों होल मारने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, कैंड साइकिल ऑफ कर दिया है। अब इसके बाद हम समझेंगे जो साइकिल है वो G82 के। अब ये G82 साइकिल क्या होता है, G82 साइकिल जो है ये स्पॉट ड्रिल या काउंटर बोर्ड कैंड साइकिल भी कहते हैं इसे, और ये यूज क्यों होता है, ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपको एक डेप्थ पे जाना है और वहाँ पे कुछ बर वगैरह रिमूव करना है, या एक्चुअल डेप्थ आपको एकदम डेप्थ क्रिटिकल है और वो डेप्थ आपको फाइंड आउट करना है आपको ड्रिलिंग के बाद, तो उसके लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें जब ड्रिलिंग के डेप्थ आप जिस डेप्थ पे जाते हो वहाँ जाने के बाद हम ड्यूल डालते हैं, ड्यूल साइकिल डालते हैं, ताकि वो वहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए जो है वो रुकेगा और वहाँ से बर रिमूव कर देगा और आपको एक्यूरेट डेप्थ मिलेगा। अभी हमने ड्राइंग वही लिया है जो पहले वाला ड्राइंग था, यहाँ पे अगर आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया तो पहला होल एक्स से 25 डिस्टेंस पे है, वाई में 35, दूसरा होल एक्स से 70 mm डिस्टेंस पे है और वाई में 40। अब देखो ड्रिलिंग साइकिल सेम वैसा ही होता है जैसा G81 था, उसी तरह G82 लिखा, G98 लिखा, पहला होल X25 Y35, यानी इस पोजीशन पे आया, जेड आपको 10 mm डेप्थ तक जाना है, आपने R5 5 mm ऊपर से आपका ये ड्रिलिंग स्टार्ट होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो P2000 दिया है, ये है जहाँ आपको जो डेप्थ में जेड 10 mm डेप्थ यानी 10 mm डेप्थ पे जाने के बाद ये 2000
मिली सेकेंड हो गया, यानी इसको अगर हम बोलेंगे मिली मतलब क्या होता है, 1/1000, मिली का मतलब होता है 1/1000, यानी 2000 का मतलब क्या हो गया, ये 2 सेकेंड, यहाँ पे अगर हमने 2000 लिखा इसका मतलब 2 सेकेंड डेप्थ पे जाके रुकेगा, यानी वहां से जो है आपका बर रिमूव करेगा और आपको एक्यूरेट डेप्थ मिलेगा। अभी कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 2.0, अगर पॉइंट डाल दिया तो आपको फिर ये लिखने की जरूरत नहीं, ये फिर 2 सेकेंड ऑलरेडी ये आपका आ जाएगा, तो आप या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। फिर उसके बाद ये पहला पोजीशन का जो है ड्रिलिंग हो गया, उसके बाद ये वापस रिट्रैक्ट होगा, G98 में है तो आपने जो भी पोजीशन ऊपर डाला होगा, वो मैं ऊपर के लाइन नहीं लिख रहा हूँ, वो वहाँ तक रिट्रैक्ट होगा और फिर दूसरे होल पोजीशन पे जाएगा और वहाँ भी ड्रिलिंग करेगा और वहाँ 2 सेकेंड के लिए रुकेगा, और फिर हमने क्या किया, ये कैंड साइकिल ऑफ कर दिया। अभी अगर सेम वो दूसरा वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वहाँ पे G81 के साथ कि के, वो के वाला यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं G83 साइकिल क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं G83 साइकिल के बारे में, जिसे पैक ड्रिलिंग साइकिल या डीप होल ड्रिलिंग साइकिल भी बोलते हैं। डीप होल इसीलिए ताकि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ज्यादा डेप्थ तक जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जेड हमने 50 लिखा है, यानी कोई प्लेट है जहाँ हमें 50 mm डेप्थ तक करना है, तो यहाँ पे हम G81 G82 यूज करेंगे तो आपका ड्रिल या तो जल्दी वियर आउट होगा या ब्रेक हो सकता है, तो आपको लाइफ भी नहीं मिलेगा और आपका जो फिनिश का रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें बर वगैरह ज्यादा ये होंगे, तो ये बर रिमूवल के लिए होता है। यानी इसे पैक का मतलब ये हो गया कि ये एक पोजिशन पे जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल समझते हैं, ये ड्राइंग वही है सेम, यहाँ पे वही X0 Y0 हो गया ये वर्क ऑफसेट, उसके बाद हमने X25 Y35 डिस्टेंस पे ड्रिलिंग स्टार्ट किया है एक्स में और वाई में, उसी और दूसरा पोजिशन X70 और Y40, तो यहाँ पे सेम वैसा ही होगा, सिर्फ G81 या G82 की जगह पर G83 लिखेंगे और थोड़े से स्मॉल चेंजेस यहाँ होते हैं। G98 डाला है हमने, X पहला होल का पोजीशन X25 Y35, यानी इस होल पे पहुंच गया, जेड आपको कितने डेप्थ तक जाना है 50 mm, R5 यानी 5 mm हाइट से ये ड्रिलिंग का जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा, और क्यू क्या दिया है मैंने 5 mm, ये क्यू जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसी को पैक बोलते हैं, यानी ये क्या करेगा पहले डेप्थ में यहाँ से जब साइकिल स्टार्ट होगा तो 5 mm डेप्थ तक जाएगा, फिर ये रिट्रैक्ट होगा ये जो R5 दिया है वहाँ के हाइट तक, यानी सरफेस से 5 mm, फिर उसके बाद ये क्या होगा आप वापस ये 5 और इस पोजीशन से 5 mm नीचे तक जाएगा, यानी यहाँ 5 हो गया, उसके बाद वापस क्या होगा ये वापस ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ये 5 mm डेप्थ तक जाएगा, ऐसा तब तक जाएगा जब तक ये 50 mm का डेप्थ अचीव नहीं कर लेता। तो इस साइकिल में बेनिफिट क्या होगा कि बर जो है आपका वो रिमूव होगा और आपका जो ड्रिल है वो वियर आउट नहीं होगा या तो ब्रेक नहीं होगा, वैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये पहले होल का ये दूसरे होल पे जाएगा और बाद में ये G80 करके हम कैंड साइकिल ऑफ कर देंगे। तो ये आपका हो गया तीनों साइकिल के बारे में डिटेल डिस्कशन, G81, G82 और G83 के बारे में।